आचार संहिता लगते ही छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग मतदाताओं को जागरूक करने के लिए तरह तरह के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि मतदान प्रतिशत को बढ़ोतरी की जा सके 100% ताकि मतदान हो। उसी कड़ी बलरामपुर में भी जगह जगह स्कूल और छात्रों के माध्यम से रैली निकालकर मतदाताओं को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में बलरामपुर जिले में डिड्डो में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्रों ने मतदाता जागरूक रैली निकाली और नारे लगाकर मतदाताओं को जागरूक करने की कोशिश की। मतदान के लिए सबको जागरूक करने के लिए निकाल रहे हैं और हम लोग ये चाहते हैं कि जितने भी बड़े हैं 18 साल से ऊपर वाले सभी लोग मतदान करें और सबका पूर्ण वोट जाए। आज का जो रैली हम लोग निकाल रहे हैं इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो मतदाता हैं उनको जागरूक करना, मतदाता जागरूक हों और आने वाला जो चुनाव है हमारा 20 नवम्बर को जो छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाला है उसमें 100% लोगों का लोग जो है मतदान कर सकें, जो जानकार नहीं है वो भी इसके बारे में जानकार हों। आज का जो कार्यक्रम है वो 100% मतदान बढ़ाने के लिए है और हम लोग यही चाहते हैं सारे स्कूल के टीचर हमारे विद्यार्थी घर घर में जा करके जो मजदूर किसान हैं जो उनके घर में जा करके उसको बताएंगे समझाएंगे कि आपके जो मत का जो मूल्य है वो कितना है, वो पैसों से नहीं तौला जाता है, वो एक अच्छे नेता का चुनाव कर सकते हैं। यही उद्देश्य से आपको क्या लगता है इस तरह के कार्यक्रमों से जनता जागरूक होगी? हाँ, इस तरह के कार्यक्रमों से हमें ये फायदा मिलेगा कि जो जो नहीं जानते हैं जो मतदान नहीं करते हैं वो भी व्यक्ति जा करके अपना मतदान अपने मूल्य अनमोल वोट एक अच्छे प्रत्याशी को दे सकते हैं। यही